एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरे पास है किमायरा का ब्राइटनिंग स्किन पोमीग्रेनेट प्लस बीटरूट पाउडर। और आज मैं इसी का रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आप पूरा एंड तक देखना, बिकॉज मैंने इसका डिटेल वीडियो इस वीडियो में मैंने डिटेल में इसका रिव्यू की हूँ। सो आप इसका कोई भी पार्ट स्किप मत करना, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये है किमायरा का लाइटनिंग स्किन पोमीग्रेनेट प्लस बीटरूट पाउडर, एंड ये एक फेस पैक है, बट ये पाउडर फॉर्म में आता है। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए ऐसे इसमें मेंशन किया गया है। अगर आपके पोर्स है तो उसको कम करेगा, एंड स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज करेगा, डार्क स्पॉट को कम करेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। एंड आई थिंक ये वाला जो पैकेट है 75 ग्राम का है। आई थिंक ये मुझे मिला था 5K कॉम्बो में। और फटाफट से इसको ओपन कर लेते। इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगी मुझे, ओवरऑल पैकेजिंग बड़ी मस्त थी। एंड अभी कर लेते इसे फटाफट से ओपन। इसको खोलने में ही इतना टाइम लग गया था, बिकॉज पैकेजिंग ही इतनी हेवी वाली की गई थी। तो आप इसे ऑर्डर करोगे तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करना। इसमें बहुत सारे वेराइटीज है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सारे फेस पैक ही है। और जो मैंने परचेज की हूँ, इसमें 5 का कॉम्बो है, 5 फेस पैक है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। बट जब भी आप परचेज करो, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने स्किन के अकॉर्डिंग, या आप देख सकते हो आपको किस पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, उस हिसाब से ही आप परचेस करना। ये रहे इसके 5 फेस पैक वाले पाउडर। इसमें से आज हम ये वाला यूज करेंगे। इसे फटाफट से कर लेते हैं ओपन। आई थिंक हाँ, इसमें जिप लॉक है, तो मुझे ये बेस्ट लगा कि आप यूज करने के बाद इसको लॉक करके रख सकते हो। पहले तो मुझे लगा था ये बीटरूट एंड पोमीग्रेनेट पाउडर है, सो रेड कलर में आएगा, बट नहीं, अभी देख सकते हो मुल्तानी मिट्टी टाइप सा है। आई थिंक इसमें कोई भी कलर नहीं है। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी, बट हाँ, इसमें मेंशन किया है कि आपको थिक लेयर लगाना है एंड रोज वाटर में ही मिक्स करके लगाना है। बट मैंने तो नॉर्मल पानी में ही इसे मिक्स करके लगा ली, एंड स्मेल सो मच गुड, बड़ी अच्छी लगी मुझे इसकी स्मेल। जितना मुझे लगा था उतना मैंने ले ली, और वापस से मैंने पाउच को बंद करके रख दी, और इसे कर लेते हैं मिक्स। ज़्यादा फाइन है, और फेस पे अप्लाई करने के बाद तुरंत, आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लेता ये, और ऐसा लगता है कि सूख रहा है फटाफट से। सूखी ब्रश की क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और जो क्वांटिटी है 75 ग्राम, मुझे लगता है आई थिंक 10 बार तो मैं कम से कम यूज कर लूँगी। और इसे अभी देखो, 1 मिनट भी नहीं हुआ है और ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपकी भी ड्राई स्किन है, आप कोई भी फेस पैक यूज करते हो तो उसको पूरी तरीके से ड्राई मत होने देना। कम से कम 10 से 15 मिनट, बस उससे ज्यादा कभी भी आपको अपने फेस के ऊपर फेस पैक नहीं यूज करना चाहिए। टेक्सचर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करते हैं ना, सेम वैसे ही। ये ऑर्गेनिक है और 100% नेचुरल है। मैं इसे थोड़ा और सूखने दूंगी, और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं अपना फेस कर लूंगी नॉर्मल पानी से वॉश, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। थोड़ी थोड़ी सी आपको इचिंग वाली प्रॉब्लम होगी, और हाँ, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पैच टेस्ट जरूर करना। इवन कोई भी आप घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज भी यूज करते हो, नेचुरल प्रोडक्ट कुछ भी, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो अपने फेस के ऊपर, तो उसका पैच टेस्ट आपको जरूर करना ही करना चाहिए। जैसे कि मैंने यूज की हूँ किमायरा का लाइटनिंग स्किन पोमीग्रेनेट प्लस बीटरूट पाउडर, और इसमें मेंशन किया ये मॉइस्चराइज करता है आपकी, अगर ड्राई स्किन है तो ये मॉइस्चराइज करता है, और अगर आपको ओपन पोर्स है तो वो उसको श्रिंक करके कम करेगा, मतलब अगर डार्क स्पॉट है तो उसको कम करेगा, और अंदर से जाके ये क्लीन करता है आपके फेस को, और जो आपका कॉम्प्लेक्शन है यानी कि सॉलिड स्किन टोन है तो थोड़ा बहुत वो लाइट करेगा। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये। इसकी एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि इसमें इंग्रेडिएंट भी मेंशन किया है, इसमें है पोमीग्रेनेट, बीटरूट एंड
फुलर्स अर्थ यानी कि हाँ जो बेस है ना, मैं आपको कह रही थी कि मुल्तानी मिट्टी वाला फील आता है, तो सेम मतलब बेस के लिए इन्होंने मुल्तानी मिट्टी का ही यूज किया है। इसमें साफ साफ लिखा है नो केमिकल, इट इज आइडियल फॉर हेल्दी नेचुरल ग्लो एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो आप मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। बट हाँ, इसमें एक ये भी बात है कि आप इसकी लेयर जब अप्लाई करोगे फेस मास्क को, इस फेस मास्क को आप जब यूज करोगे ना, तो इसकी जो लेयर है वो आपको थिक रखना है, एकदम पतली लेयर नहीं रखना है। अब वैसे तो मैंने थोड़ी ये पतली ही है, बट अभी देखेंगे इसका रिजल्ट। अब साफ मेंशन किया गया है मेक अ थिक कंसिस्टेंट पेस्ट ऑफ इट बाय एडिंग रोज वाटर, और हाँ इसमें रोज वाटर मिक्स करके ही आपको इसको अप्लाई करना है। और इसे वॉश करना है आपको ल्यूक वार्म वाटर से, यानी कि थोड़ा सा कुनकुना पानी से, नॉर्मल ठंडे पानी से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। सो ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। हाँ, अगर आप ये सिंगल पाउच इसका लेते हो तो इसकी प्राइस है 199 रुपीज, डिस्काउंट रहता है तो 150 अराउंड आपको मिल जाएगा। ये आप ओपन करने के बाद सिर्फ 2 महीने तक ही यूज कर सकते हो, ओपन कर लोगे, एक बार भी यूज करोगे तो ये ओपन होगा, उसके बाद आप इस आपको इससे 2 महीने के अंदर यूज करना होता है। और क्वांटिटी बहुत ज्यादा भर भर के है इसमें। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं 5 मिनट इसे और रख के देखूंगी, बिकॉज अभी मुझे इसे अप्लाई करने के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो मैं सोच रही इसे 5 मिनट में और ऐसे ही रहने देती हूँ, बिकॉज ये अच्छे से सूखा भी नहीं है। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा सा कुनकुने पानी से वॉश करने के बाद। मैं अपना ट्रू वाला ओपिनियन दूं तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये वाला फेस पैक। मैं इस वाले ही फेस पैक की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि किमायरा ब्रांड के जितने भी फेस पैक है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, जो फेस पैक मैंने आज की हूँ वो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तो और इसकी एक बात ये भी अच्छी लगी कि 1-2 घंटे के बाद भी आपकी जो स्किन है ना वो अलग ही ग्लो करती, पता नहीं क्यों, बट आपको इसको अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइजर, टोनर कुछ भी यूज करने की नीड नहीं होती है। तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। कुनकुने पानी से मैंने अपने फेस को कर ली हूँ क्लीन, और बहुत ही ज्यादा आपको स्लिपरी लगेगी, और मेरी स्किन ना मुझे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सच में ग्लो कर रही है, थोड़ी बहुत तो ग्लो कर रही है। इसको यूज करने के बाद मुझे अपनी स्किन मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद कैसे ड्राई ड्राई सी लगती है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही। इसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई की हूँ अपने स्किन पर, इवन मैं कभी कभी बताए नेचुरल चीज़ें यूज करती हूँ ना घर पर, लाइक मैं फेस पैक घर पे बना के यूज करती हूँ, या फिर दूसरे कोई भी फेस पैक मैं यूज करती हूँ, उसके बाद स्किन है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक यूज करते हो, या फिर मुल्तानी मिट्टी ही रोज वाटर मिलाकर यूज करते हो, उसके बाद स्किन ड्राई हो जाती है ना, बट वैसा बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा है। और इस वाले फेस पैक को यूज करने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि स्किन ड्राई है और मुझे टोनर या फिर मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी आई थिंक इसके 4 पैकेट्स और हैं मेरे पास, तो उसका रिव्यू भी मैं आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।